मेंघी पंचायत के तलबड़िया तथा खजूरिया गांव के बीच रोड में नए पुल बनाने के लिए पुराने पुल को तोड़ा गया था और डायवर्शन बनाया गया था। 5 जुलाई 2014 को भारी वर्षा के कारण रोड में कच्ची डायवर्शन होने के कारण आवागमन बाधित रहा। अच्छा, ये पुल खराब होने से आपको क्या क्षति पहुंच रही है? क्षति पहुंच रही है, हम लोग सुबह से फंसे हुए हैं। सुबह से जाना चाह रहे हैं घर में, अभी तक जाने का घर नहीं है। सुबह 6 बजे निकले हैं, अभी तक मतलब गोड्डा जाने में दोपहर अभी यहीं हो गया। परेशानी हो रही है बच्चे लोग को लेके। आपको भूख लग रही है? भूख लग रही है। कितने जोर से? प्यास भी लग रही है। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, और यहाँ पे दुकान भी नहीं है जो खरीद कर कुछ खाया जाए। लगभग 600 यात्रियों को इस समस्या से गुजरना पड़ा। विभागीय पदाधिकारी के लापरवाही के कारण पुल निर्माण कार्य बारिश के दिनों में शुरू किया गया, जो उनका सही निर्णय नहीं था। किस कारण से आप लोग खड़े हैं यहाँ पे? कारण यही है, जो डायवर्सन में सही डायवर्सन नहीं, यहाँ पे गाड़ी फंस जा रहा है। अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर थे? 4 दिन से। खाना पीना कहाँ से हो रहा है? 24 घंटे में एक टाइम खाना यहाँ पे खा रहा है, वो भी पानी लाने के दूर आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैंने 7-8 यात्रियों के साथ मुखिया साहब से संपर्क की और मैंने इन समस्याओं से मुखिया साहब को अवगत कराई। मुखिया साहब ने यह समस्या को स्वीकार किया तथा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। कल परसों से जो समस्या यहाँ खड़ी है पुल के वजह से, और यहाँ ड्राइवर्सन डैमेज होने के चलते गाड़ी का आवागमन होने अभी ठप है, और आज इस समस्या से आप लोगों ने मुझे अवगत कराया, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हुए एक उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि इसके लिए हम तुरंत कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को किसी भी माध्यम से अवगत कराएंगे और इसका समाधान। जब मैं दूसरे दिन लगभग 4 बजे अपना घर लौट रही थी, तब मैंने देखी जहाँ पुल बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, उसी गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया है। अभी तो ठीक लग रहा है जी, नहीं तो हम लोग 5 दिन से परेशान थे यहाँ। अच्छा, लेकिन इसमें मुखिया साहब के द्वारा अच्छा काम किया गया और ये जो पुल टूटा हुआ था जी, तोड़ा हुआ पुल वही भर दिया गया। अच्छा, इसके बाद तो अभी ठीक है, सारे लोग चले गए अपने अपने घर, हम भी अपना घर अब जा रहे हैं। अब मुझे बहुत खुश लग रही है, मेरे पहल के द्वारा 600 यात्रियों को राहत मिली तथा तत्काल आवागमन के लिए रोड चालू हो गया। मैं मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।